चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल के बेल आइकन को दबाएं ताकि नए अपलोड का वीडियो जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। ये क्लास ग्रामर का होगा और चैप्टर चल रहा है सिंटैक्स। सिंटैक्स के पहले भी क्लासेस को मैंने अपलोड किया है जिसे आप देखे होंगे और आज उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए देखिए, बोर्ड पर मैंने पहले कुछ रखा है, लिख रखा है। देखिए क्या हम लोग का चर्चा करने जा रहे हैं। तो चैप्टर हमारा है, एक बार फिर हम सिंटैक्स चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। सिंटैक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, इज़ एमआर वाजबर। आप एक बात अच्छी तरह से जानते हो कि इज़ एमआर वाजबर का यूज कहां पर करते हैं। इट्स ओके, ये जो इज़ एमआर है ये प्रेजेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है और वाजबर पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी, बट इट्स ऑल्सो क्लियर टू यू, आपको भी पता है। आई के लिए इस प्रेजेंट फॉर्म में हम लोग किसका यूज लेते हैं, एम का यूज लेते हैं। और फिर वाजबर में से किस, ये दो ग्रुप में बटा होता है, इज़ एमआर और वाजबर, देयर आर टू ग्रुप्स हियर। तो इज एमआर में से आई के लिए क्या आता, एम आता है, वॉज वर्ब में से क्या आता, वॉज आता है। ठीक है, ही सी इट और सिंगुलर, इस ग्रुप में से इसके लिए इज आता है और इस ग्रुप में से इसके लिए वॉज आता है। फिर आता है यू वी दे और प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। अच्छा नहीं, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, वो सब्जेक्ट जो एक को रिप्रेजेंट करता है उसको सिंगुलर बोलते हैं, वो जो एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है उसको प्लूरल बोलते हैं। तो इस ग्रुप में से हम आर को लेते हैं और इस ग्रुप में से वेयर को लेते हैं, किसी भी कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे छोटा सा सेंटेंस है, आई डाइज डॉक्टर, हमारे पास ऑप्शन है इज एमआर, इज एमआर ऑप्शन है तो आप ऑटोमेटिकली क्या भरोगे, एम भरोगे। आई डाइज ए डॉक्टर, फिर हमारे पास ऑप्शन इस बार मैंने लिया वॉज और वेयर, तो आप वॉज डालोगे। ही डाइज ए लीडर, ठीक है, फिर हमारे पास ऑप्शन है इज एमआर, आप ऑप्शन में इज को ही चुनोगे। और ही डाइज ए डॉक्टर वॉज वेयर में से ऑप्शन है तो वॉज को लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीबडी नोज, हर कोई को ये बात पता है, लेकिन कुछ और चीज मैं बताने वाला हूँ। इतना छोटा चीज तो मैं आपको पता ही है, मैं कुछ और बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ जरा देखो, यहाँ लिखा हुआ है इन द केस ऑफ इमेजिनेशन ऑब्लिक बिस, यानी कि अगर से इमेजिनेशन का सब क्वेश्चन कम्स हियर। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। जैसे कोई भी चीज अगर आप अपने मन में कल्पना करते हो, सोचते हो जो वास्तविकता में नहीं है, उदाहरण के तौर पर जैसे सेंटेंस था मैं डॉक्टर हूं, तो मैं डॉक्टर हूं क्या है, ये कल्पना नहीं है, रियलिटी है। अगर आप डॉक्टर हैं और ऐसा सोचते हैं तो एक सेंटेंस होता है कि मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर थे, इसलिए आप स्टेटमेंट को बोलते हैं कि मैं डॉक्टर था। परंतु अगर आप अगर ऐसा बोलते हो, कभी यह सोचते हो मन में, अगर मैं डॉक्टर होता या फिर काश मैं डॉक्टर होता, अगर मैं डॉक्टर होता और अगर काश मैं डॉक्टर होता, बोलने का मतलब क्या हुआ कि ना डॉक्टर थे आप ना डॉक्टर हैं, ये एक सोच है, ये कल्पना है, एक इच्छा है। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, इन द केस ऑफ इमेजिनेशन या विश, कल्पना के या इच्छा व्यक्त करने के केस में वेयर इज यूज इवन विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो जाए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वेयर का यूज करना पड़ेगा। आप वहां पर वाज का यूज नहीं करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ जिसके साथ आप इज एमर इज एमर इज और इज और वाज का यूज करते आए। जैसे स्टेटमेंट में देखिए, यहां पर एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने है, अगर मैं राजा होता, इफ आई डैश ए किंग, अगर मैं राजा होता, यह क्या है, देखिए सेंटेंस होता, अगर एक सेंटेंस होता कि मैं राजा हूं, क्या है, मैं राजा हूं, अगर सेंटेंस आता तो आप क्या लिखते, आई डैश ए किंग, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं आई एम किंग, मैं राजा था, आई डैश ए किंग। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में राजा हो रहा हो और वो बोलता हो अपने बारे में कि मैं राजा था, वो कैसा स्टेटमेंट बोल सकता है, मैं राजा हूं के लिए बोल सकता है आई एम किंग, मैं राजा था के लिए बोल सकता है आई वाज किंग। लेकिन यहां जो स्टेटमेंट आपके सामने है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर मैं राजा होता, इसका मतलब हुआ न राजा था न राजा है। यहां पर इसका मतलब ये कल्पना का केस आ गया, इमेजिनेशन का केस आ गया। इसलिए इमेजिनेशन केस में आप हमेशा वर का यूज करेंगे, यहाँ आई के साथ हम वाज का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, वेयर का। यहाँ पर आई के साथ एम भी लगा था, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रश्न क्या लगेगा, वर का यूज करेंगे। और स्टेटमेंट हो जाएगा इफ आई डैश किंग। नाउ कम टू द सेकंड स्टेटमेंट, इफ आई डैश यू आई वुड नॉट डू दैट, अगर मैं तुम होता, मतलब मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं तुम होता और तुम्हारी जगह पर मैं ऐसा नहीं करता, यानी सोच है, कल्पना है, इच्छा है, यानी कि ऑप्शन वाज और वेयर या जो भी इज एमआर वाज में टोटल ऑप्शन है, ये टोटल ऑप्शन यहाँ पर है, लेकिन लास्ट में आपको भरना क्या पड़ेगा जानते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेयर भरना पड़ेगा। और इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट में या तो आप बोलोगी विश किया जा रहा है या फिर इमेजिनेशन यानी कल्पना की बात आ रही है। फिर आते हैं अगले स्टेटमेंट पर, आई विश आई डैश ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आकाश में चिड़िया होता तो आकाश में होता। किसी व्यक्ति का चिड़िया होना और आकाश में होना या तो कल्पना है या फिर ये इच्छा को रिप्रेजेंट करा, इच्छा को व्यक्त करा रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन इज एमआर वाज है, आप यहाँ पर सिर्फ प्रसिद्ध क्या भर सकते हैं, वेयर का प्रयोग कर सकते हैं, आई विश इट दैट्स पॉसिबल, काश यह संभव होता, यह संभव है। अगर संडे आते कि यह संभव है तो आप क्या बोलेंगे,
इट इज पॉसिबल, यह संभव था, इट वॉज पॉसिबल, लेकिन यही सेंटेंस हो जाएगी काश यह संभव होता। जैसे ही आप स्टेटमेंट बोलते हो काश यह संभव होता, इसका मतलब क्या है कि कल्पना या सोच की बात आ गई। जैसे ही कल्पना और सोच की बात आती है आपको सिर्फ और सिर्फ भरना पड़ता है वेयर, इसलिए आप क्या भरेंगे यहाँ पर वेयर, आप क्या नहीं भर सकते यहाँ पर वाज नहीं भर सकते हैं। तो सिंटेक्स चल रहा है, सिंटेक्स में हम इज एम आर वाज वेयर की स्पेशल कंडीशन को देख रहे हैं, ये स्पेशल कंडीशन के रूप में जाना जाता है। आपको भली भांति और अच्छे से पता है इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग कहां करना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस में कल्पना हो जाए यानी इमेजिनेशन या विश का कंडीशन आ जाए तो वैसी स्थिति में सिमिलर शब्द के साथ भी वेयर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आप इसको नोट करो, ठीक है, फिर और मैं आगे अभी मैं बताता हूँ, इसको आप जब तक नोट करो, इसको ध्यान में रखो, सबको नोटबुक पर पिछले क्लासेस को भी और इसको भी क्लास को भी नोटबुक पर नोट करते चलो, फिर मैं आगे की कंडीशन को तुरंत अभी बतलाता हूं। आप यहां पर देखो मैंने चार वर्ड्स लिखे हैं, देयर फोर वर्ड्स हियर, ये कौन कौन वर्ड है, एक वर्ड है ब्लेस, एक वर्ड है लीव, एक वर्ड है हेल्प और एक वर्ड है सेव। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, लीव का मतलब रहना, हेल्प का मतलब मदद करना और सेव का मतलब बचाना। इसके साथ स्पेशल कंडीशन है, अभी हम दिखलाएंगे आपको दीज फोर वर्ड्स, क्या बोला मैंने, दीज फोर वर्ड्स हैव ए स्पेशल कंडीशन। इसका मतलब हो गया इस चार शब्दों के साथ कुछ खास कंडीशन है। सवाल आपके मन में क्या है स्पेशल कंडीशंस, हम इसके स्पेशल कंडीशंस को देखेंगे, लेकिन इसके स्पेशल कंडीशंस को देखने से पहले हम इसके नॉर्मल कंडीशंस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए इसका नॉर्मल कंडीशन क्या है, जैसे मान लो कि एक स्टेटमेंट है आई डैश यू और सेंटेंस बोलना चाहता है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तो आप यहां पर क्या लिखते हो, ब्लेस, इट्स ओके, ठीक है, वह तुम्हें आशीर्वाद देता है, ही डैश यू, तो आप यहां पर क्या लिखते हो, बोलो ब्लेसेस, ठीक है। हम लोग यहां रहते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, वी लिव हियर, वह यहां रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ही बोलिए लिव्स हियर, ये एसएसपी के नियम को फॉलो करता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। मैं राम की मदद करता हूं तो आई हेल्प राम, वह मेरी मदद करता है तो ही बोलिए हेल्प्स मी, वेरी सिंपली हम लोग ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं। मैं उसे बचाता हूं तो हम लोग क्या लिखते हैं, आई सेव हिम, हम लोग उसे बचाते हैं, वी सेव हिम, ओके, वह हमें वह उसे बचाती है तो सी सेव्स हिम। आप गौर से देखो जोत पढ़ने पर सेव को क्या बनाया गया है, सेव्स बनाया गया है, कंडीशन के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर, सेव कहीं सेव्स है तो कहीं सेव है, हेल्प हेल्प्स है, हेल्प है, लिप्स भी है, लिप भी है, ब्लेसेस भी है, ब्लेस भी है, मतलब ये सब शब्द जब नॉर्मली यूज होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में यूज होते हैं तो ये एसएसपी के रूल को फॉलो करते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर इसमें आप इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मली ये वर्ड एसएसपी के रूल को फॉलो करते हैं, कौन सा वर्ड, हम इन शब्दों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं नॉर्मली, नॉर्मली कहने का मतलब समांतर, दीज वर्ड्स, ये सभी शब्द जो है फॉलो पालन करते हैं द रूल्स ऑफ एसएस एंड पीपी, ये सभी शब्द समानते एसएसपी के नियम का पालन करते हैं। बट एक ऐसा कंडीशन है जहां पर ये चार शब्द, दीज फोर वर्ड्स डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ एसएसपी, ये चार शब्द एसएसपी के रूल को फॉलो नहीं करेंगे। भाई कौन सा कंडीशन है जहां पर ये शब्द एसएसपी के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या लिखा मैंने, ऑप्टेटिव सेंटेंस, पढ़ी हुई क्या लिखा मैंने, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा वाचक वाक्य, यानी कि वाक्य जो इच्छा का बोध कराता हो, किसका बोध कराता हो, द सेंटेंस विच रिप्रेजेंट्स, ओके, डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा या विश, मतलब इच्छा, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, वाक्य जो इच्छा का बोध कराता है उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं। अगर इन शब्दों का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाए, यानी इन शब्दों का प्रयोग अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाए, तो वैसे स्थिति में इन शब्दों के साथ एसएसपी के रूल को फॉलो नहीं कराएंगे। अगर ये शब्द क्या करें ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज हो, तो वैसे स्थिति में हम इसमें क्या नहीं करते हैं, एसएसपी के रूल को फॉलो नहीं कराते हैं। इफ यदि दीज वर्ड्स, क्या लिखा मैंने, दीज वर्ड्स आर यूज इन ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, वी डोंट, सॉरी, डोंट फॉलो, इस सेंटेंसेस में यूज होते हैं, डोंट, डू नॉट फॉलो, नहीं फॉलो करता है, फॉलो द रूल्स ऑफ एसएसपीपी,
तो एसएसपीपी के नियम को फॉलो नहीं करता है। भाई कैसे सेंटेंसेस आएंगे जब ये सब एसएसपीपी के रूल को फॉलो नहीं करेगा, अभी मैं दिखलाता हूं। यहां आपने देख लिया, यहां पर एसएसपीपी के रूल को फॉलो करते हैं, अब देखिए सेंटेंसेस कैसे आ जाए। जैसे एक सेंटेंस आ जाए, भगवान आपकी मदद करे, गॉड डैश यू। ऑप्शन में हेल्प और हेल्प्स है, सपोज दैट आपके पास दो ऑप्शन है, एक है हेल्प और दूसरा क्या है हेल्प्स। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप यहां पर हेल्प्स नहीं लिख सकते हो, आपको सिर्फ हेल्प लिखना है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर एसएसपीपी के रूल को फॉलो नहीं कराना है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये इसका पहचान है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आप हेल्प और हेल्प, आप सोचो कि गॉड सिंगुलर है तो गॉड सिंगुलर तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगना चाहिए, फिफ्थ फॉर्म। आप हेल्प्स लगाने को सोच सकते हो, आपका राइट है यहां पर सोचना, लेकिन आप यहां पर हेल्प्स नहीं लगा के हेल्प लगाओगे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आया हुआ है और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जो कि यहां पर सेंटेंस इच्छा का बोध कराया जा रहा है। या फिर कोई सेंटेंस आ जाता है, द किंग डैश द मैन, राजा उस आदमी की रक्षा करे, समझ रहे हैं। यहां पर आ जाए, ऑप्शन में आ गया सेव और सेव्स। आप सोच रहे होंगे कि सेव और सेव्स, सेव्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, इसलिए लगना चाहिए सेव्स रूल के आधार पर, लेकिन नहीं। ये जो सेंटेंस है कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यहां पर इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप क्या यूज कर सकते हैं, सेव का यूज कर सकते हैं। तो आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज ये फोर वर्ड्स हैं, ये फोर वर्ड्स नॉर्मली आएंगे, तो जैसे नॉर्मल वर्ड्स इसलिए यूज लेंगे, लेकिन जैसे ये चार शब्द ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे, एक्स्ट्रा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके साथ आ जाएगा, तो आप इस स्थिति में इसके साथ एसएसपीपी के रूल को फॉलो नहीं कराएंगे, यानी इन शब्दों को कभी ब्लेस को ब्लेसेस, लीव को लीव्स, हेल्प को हेल्प्स और सेव को सेव्स नहीं बना सकते हैं। आप इसको नोट करो, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस बना करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इन शब्दों का आपको अप्लाई किया। आप देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। पहला हमारा स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है आई डैश ए डॉक्टर, ऑप्शन में वाज वेयर है, आई सिंगुलर होता है, वाज का प्रयोग करते हैं, क्लियर। आई विश, सेकेंड स्टेटमेंट आई डैश ए डॉक्टर, इसका मतलब होता है काश में डॉक्टर होता, जैसे यहां पर काश लग गया कि मैं डॉक्टर होता, ये कल्पना का स्टेटमेंट आ जाता है, इमेजिनेशन का स्टेटमेंट आ जाता है, आप यहां पर वेयर का यूज करेंगे। अगला स्टेटमेंट ही डैश ए रीडर, यहां पर ऑप्शन में इज और आर है, ऑटोमेटिकली आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप कुछ का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट है कि ही डैश ए रीडर, यदि वह नेता होता, ये एक सोच एक कल्पना आ गया, और कल्पना की बात आई, ऑप्शन आपके पास इज और वाज में है, आप ऐसा जानते हैं ही के साथ आप इज भी लगाते हैं और वाज भी लगाते हैं जरूरत पड़ने पर, लेकिन इस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ आपको वेयर लगाना पड़ेगा। यहां पर आ गई राम डैश द पुअर, राम सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, राम सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगेगा, इसलिए आपको वर्ब का फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म लगाना पड़ेगा, जो कि हेल्प्स होता है। द किंग डैश द पुअर, यहां पर फुल स्टॉप है, इस बात को ध्यान से देखिए, इसका मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट, और यहां पर कहा जा रहा है कि राजा गरीबों की मदद करता है, राजा एक व्यक्ति है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगेगा, वर्ब की पांचवी फॉर्म को लगाते हैं। लेकिन अगले स्टेटमेंट में ध्यान से देखो, द किंग डैश द पुअर, और यहां पर ये देखो ये क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि राजा, इसका हिंदी होकर राजा गरीबों की मदद करे, ये एक इच्छा व्यक्त किया जा रहा है। जैसे आप इच्छा व्यक्त करोगे आप हेल्प नहीं लगा सकते हो, ये नहीं लगा सकते, आपको हेल्प लगाना पड़ेगा। एक ही टाइप के स्टेटमेंट है, ध्यान से देखो, यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप है, यहां पर हेल्प लगाना पड़ा और यहां पर हेल्प लगाना पड़ा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गया, गॉड डैश द क्वीन, और यहां पर देखो क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी भगवान रानी की रक्षा करे, बचाए रानी को बचाए। अब सेव और सिर्फ है, तो जब ये बात आ जाए तो सिर्फ को लगेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ लगाना पड़ेगा, आई डू इट आई इफ आई डैश ही, ऐसा मैं करता अगर मैं उसके जगह पर होता, मैं वह होता। और यहां पर एक सोच है, कल्पना है, इच्छा है, जैसे ही सोच कल्पना और इच्छा की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको बेयर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने बताए, तो कैसा लगा आपका क्लास, आज का क्लास आपने पूरा देखा होगा, इसको समझा होगा, आगे भी क्लास में लेकर के मैं नई चीजों को लेकर के आऊंगा, तब तक आज इसको देखिए। बट वन थिंग दैट यू मस्ट प्रैक्टिस इट, बिकॉज इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस इट मींस दैट यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग, आप सीखने नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप इसको सीखिए। और आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में, फिर कहें कुछ नए टेक्निक्स, नए ट्रिक्स, कुछ नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही।